Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों आज के सेशन में हम वही कंटिन्यू करने के लिए अपना चैप्टर नंबर 7 दैट इज इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल. बट आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन इन इंडिया, होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है. यानी कि आज हमारी ये तीन टॉपिक है और विश्वास मानो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और इंडिया में इन्फ्लेशन जो चल रही है वो किस तरीके की चल रही है और क्यों चल रही है, उसके पीछे के क्या रीजंस है. यानी आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इस पूरे सेगमेंट के अंदर. हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज रमेश सिंह, क्योंकि इस बुक के बाहर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना आता हो, क्योंकि इस बुक में अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में टॉपिक्स दे रखे हैं. जितना जरूरी है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट चीजें होंगी और जहां डिटेल डिस्कस होगा वहां डिटेल डिस्कशन कराऊंगा. मैंने आपके इस टॉपिक के लिए नोट्स भी बनाए क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे रखा था, जिसको मैंने थोड़ा सा कंसाइज करते हुए नोट्स बनाए हुए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, जहां पर हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड सारी वीडियोस डालते रहते हैं. तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बोलते हैं, सर आप ये पूरी सीरीज तो करा रहे हो, रमेश सिंह के पूरे 21 चैप्टर करा रहे हो, बट सर करंट डेटा करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें. तो आपको वैसे तो चैप्टर के दरमियान करंट अफेयर बता भी देता हूं, बट इसके अलावा कोई भी आता है तो वो मैं दूसरा जो चैनल हमारा इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर आपको मिले तो उसकी अपडेट मिल जाए. ठीक है, तो वहां भी आप ग्रेजुअली हमें क्या कर सकते हो, फॉलोअप कर सकते हो. चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया के बारे में. दोस्तों अगर आप यहां से उठाओगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है. ठीक है, वैसे तो मैंने हाईलाइट कर दिया जो जो चीजें पढ़नी है, बट अभी मैं स्टार्टिंग जो करूंगा वो अपने नोट से करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको नोट समझाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. और आप जानते हो हमारे नोट्स बहुत ही कंसाइज तरीके से हम अपने पास क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. तो चलिए एक बार नोट से हम रीडिंग लगाते हैं इस पूरे टॉपिक को, फिर हम बुक से पढ़ेंगे तो हमारे बुक ज्यादा ईजी हो जाएगी. ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसका जो फोकस है वो सही कर दूं. हाँ जी, चलिए बात करते हैं कि आखिर इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. आपने अक्सर सुना होगा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो जनरल प्राइस है एक समय निर्धारित के अनुसार उसकी जो कीमतें बढ़ जाती हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास दो ही सूचकांक है इसको कैलकुलेट करने के, दैट इज होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, आपको आराम से समझाऊंगा, बस ध्यान से सुनते हुए चलना. देखो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये क्या करता है, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. तो जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो क्या हम जैसे कंज्यूमर्स क्या माल सीधा इंडस्ट्रीज से खरीदते हैं. अगर मान लो मुझे पेप्सोडेंट खरीदना है या पतंजलि का दंत क्रांति खरीदना है तो क्या मैं पतंजलि की इंडस्ट्री में जाऊंगा जहां भी लगी होगी, या मैं कोलगेट की इंडस्ट्री में जाऊंगा जो यूएस बेस्ड कंपनी है. नहीं दोस्तों, इंडस्ट्रीज क्या करती है, माल बनाने के बाद अपना इस माल को सबसे पहले जो बेचती हैं वो बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, उनको ये माल क्या करते हैं, बेचते हैं, होलसेलर्स को बेचते हैं. तो क्या होता है कि लेट सपोज कि वो होलसेलर कोई और नहीं बल्कि आप हो. थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को समझ के चलो कि आप एक बहुत बड़े लालाजी यानी होलसेलर हो और आप डायरेक्टली इंडस्ट्री से माल खरीदते हो बल्क ऑर्डर के अंदर. तो जब आप बल्क ऑर्डर में कोई माल खरीदोगे तो आपको जो कीमत पड़ेगी, क्या जरूरी है कि जो इस साल आपने जो माल जितने में खरीदा नेक्स्ट ईयर भी वही माल सेम आपको उतने का ही पड़ेगा. सर ऑब्वियस ही बात है ऐसा नहीं होगा, महंगाई जैसे बढ़ेगी तो आज अगर हमने कोई लॉट मान लो 10,000 रुपये पर लॉट के हिसाब से उठाया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसकी कीमत 11,000 पर लॉट हो जाए या 12,000 पर लॉट हो जाए. तो ऐसे में होल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम महंगाई को कैलकुलेट करते हैं उसी को बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स. यानी आप अपने मन में ये बात बांध लो कि होल सेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली कंज्यूमर के लिए नहीं निकाला जाता, होल सेलर्स के लिए निकाला जाता है, ताकि जो होल सेलर थोक में माल खरीदते हैं उनकी महंगाई का असर इवेल्युएट किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके. एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स. और इसीलिए इसको मैक्रो लेवल बोला जाता है. मैक्रो लेवल क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लिमिटेड होती है और होलसेलर भी लिमिटेड होते हैं. ये बहुत ज्यादा जगहों पर अवेलेबल नहीं होते, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल, लेकिन एक छोटे भी होलसेलर होगा तो उसके पास क्वांटिटी के मामले में माल बहुत ज्यादा मिलेगा आपको. ठीक है, चलो ये था आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो शुरुआत है वो कब हुई, तो होलसेल प्राइस की इंडेक्स की जो शुरुआत है वो इंडिया में सबसे पहले 10 जनवरी 1942 को हुई. कब हुई, 10 जनवरी 42 को ही. अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी हम अपने पास इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हम कोई भी एक साल बेस ईयर के तौर पे मानते हैं, जहां ये मान के चलते हैं कि उस गुड्स की जो कीमत है वो 100 रुपीज है. लेट सपोज आपने अपने घर में भी सुना होगा, पापा या मम्मी ये बोलते होंगे ना कि हमारे जमाने में तो भाई साहब 5 रुपए में जलेबियां आ जाती थी, वो 2 रुपए में आ जाती थी, लेकिन आज की डेट में जाओगे तो 200 रुपए किलो भी जलेबी मिलना बड़े मुश्किल हो जाएगी. यानी कोई एक ऐसा साल जिसको आप बेस मानो. तो हमारे यहां पर जो गवर्नमेंट है उसने जब होलसेल प्राइस इंडेक्स को स्टार्ट किया 1942 में,
तो उसने किस ईयर को बेस माना? उसने 1939 को बेस माना। सर क्या आज भी हम 1939 को बेस मानते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, अभी मैं आपको आगे की बताऊंगा कि आज के टाइम में 2021-22 के अंदर हम किसको मानते हैं बेस, वो भी बताऊंगा आपको। तो अभी आप ये बताओ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसकी शुरुआत कब हुई? 10 जनवरी 1942 को, और उस साल हमने बेस किसको माना था? 1939 को। यानी हमने ये मान के चले कि जो 1939 है इसमें जिस गुड्स की कीमत 100 रुपये, आज हम देखें 1942 में उस 100 रुपये की चीज़ की कीमत कितनी होगी, 110, 120, 130 या जो भी हो, यानी एक साल हमें बेस का मानना पड़ता है। अब बात उठती है कि सर ये जो चीज़ें होती है कौन कैलकुलेट करता है, कौन इसको पब्लिश करता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप फुल फॉर्म नोट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है WPI की कैलकुलेशंस करता है। अब जो WPI है इसको मॉनिटरिंग जो है और अपडेट जो है हर वीक पर किया जाता है, ठीक है, यानी हर हफ्ते देखा जाता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या मेजर चेंजेस है, क्या माइनर चेंजेस है, क्यों हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है वीकली बेसिस पर निकाली जाती है। अब आपको बता दूं कि अभी यानी 2021-22 के हिसाब से अभी जो हमारा बेस ईयर है वो है 11-12, यानी हम 11-12 के प्राइसेस को बेस मानते हुए देखते हैं कि आज की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आज अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो लेट सपोज आज किसी एक पर्टिकुलर चीज की कीमत 280 रुपए है, इसका मतलब उसका बेस ईयर जो 11-12 उसमें उसकी कीमत कितनी होगी? 100 रुपए। यानी जो चीज 11-12 में 100 रुपए की थी आज उसकी कीमत होगी 280 रुपए। इस तरह से हम क्या निकालते हैं? इन्फ्लेशन को निकालते हैं। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहला जो बेस ईयर था वो 1939 था, और लेटेस्ट टाइम पर अभी के टाइम पर जो हमारा बेस ईयर है ये 11-12 है। लेकिन याद रखना, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर हो सकता है 21 साल बाद इस बेस ईयर को भी चेंज कर दिया जाए। अभी जब भी चेंज होगा तो मैं करंट अफेयर की वीडियो किस पे डालूंगा? इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, वहां पर आपको ये चीज पता चल जाएगी। अब बात करते हैं सर, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने बताया ये निकालते कैसे हैं? आपने ये तो बता दिया क्या होता है, बट इसको निकालते कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इसके अंदर ना हम तीन चीजें लेते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें तीन आर्टिकल्स उठाती है, वैसे तीन ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन कमोडिटी उठाते हो, नहीं बहुत सारी होती है, बट ब्रॉडली उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। वो तीन पार्ट क्या है आपके? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। क्या है प्राइमरी आर्टिकल्स में? जो चीज़ें छुटपुट चीज़ें जितनी होती है हमारे पास 117 आइटम्स हैं उसके अंदर। पावर एंड फ्यूल्स के अंदर 16 आइटम डाले गए, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आर्टिकल के अंदर 564 आर्टिकल डाले गए। जैसे आपका डस्टर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सब किस में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर है, 564 आइटम है। अगर हम इनकी वेटेज की बात करें तो 100% में से सबसे ज़्यादा गुड्स कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के हैं, 64.23। फ्यूल एंड पावर के कितना वेटेज है? 13.15 वेटेज है इसकी। और प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज 100 में से कितनी है? 22.62% है। यानी ये इनकी वेटेज दे दी। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम जिन आर्टिकल्स को लेते हैं उनको ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में, दैट इज प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आर्टिकल्स। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि जब हम किसी भी गुड्स की प्राइस को लेते हैं तो क्या उसमें हम टैक्सेस को जोड़ते हैं? लेट सपोज कि अगर मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा तो उस पर इंक्लूडिंग टैक्स होता है? हाँ, CGST, SGST या जो IGST होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को हटा देती है। क्यों हटा देती है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है टैक्स के इंपैक्ट से तो इन्फ्लेशन और ज्यादा निकल के आएगा। हम रियल इन्फ्लेशन निकालना चाहते हैं। हम रियल इन्फ्लेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वही लिखा हुआ है, जब इसमें हम कीमतों को जोड़ते हैं, शामिल करते हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को हम शामिल नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। बोलो क्लियर हो गया? अब इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं अब आपको बुक से करवाता हूं। देखो, जब आपने ये पढ़ लिया ना तो बुक से जब आप रीडिंग लगाओ तो देखो कितना ईजी लगे। आप खुद देखना, इस चीज को नोटिस करना, और फिर मुझे बताना क्या नोट्स बनाने का फायदा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं बेकार में मेहनत करता हूं आपके लिए? तो अगर आपको लगता हो नोट्स बनाने का फायदा नहीं, तो कोई नहीं, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। नोट्स अगली क्लास से आपको नहीं मिलेंगे, सीधा बुक से पढ़ा दूंगा, ठीक है? जैसा आप बता देना मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया की। देखो, इंडिया की इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हम अपनी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसके हमारे पास कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक आपका क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है? ये दो तरह के सूचकांक होते हैं हमारे पास। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा इसका फोकस सही कर दूं। हाँ, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो, और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और लिखा हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मैक्रो लेवल का होता है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो माइक्रो लेवल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ठीक है? बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो पहली बात, ये इंडेक्स सबसे पहले कब निकाला गया था इंडिया के अंदर?
जनवरी की 10 तारीख को 1942 नोट्स में अभी मैंने आपको कराया था, और इसमें जो बेस ईयर माना था वो 1939 माना था, यानी उस समय उसकी कीमत हमने क्या मानी थी, 100 रुपये मानी थी। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है कि अब हमारे यहाँ पर बेस ईयर, आप अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे ना कि आज सर हमारा बेस ईयर चेंज होता रहता है, हाँ गवर्नमेंट बार बार इसे चेंज करती रहती है। जैसे आप देखो 1952-53 के अंदर हमने बेस ईयर 1952 को माना, फिर एक बार बेस ईयर 1961-62 को भी माना, फिर एक बार हमने बेस ईयर 1970-71 को भी माना, एक बार हमने बेस ईयर 81-82 को भी माना, एक बार बेस ईयर 1993-1994 को माना, और एक बार बेस ईयर 2004-05 को माना, और 11-12 तो हमारा लेटेस्ट है कि हमने बेस ईयर जो है 11-12 किया। और ये कब माना था, मई 2017 को माना था हमने। 11-12 का जो बेस ईयर है वो मई 2017 से स्टार्ट हो, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रिवाइज्ड WPI की। अच्छा एक चीज़ सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, मैं आपको कुछ मजबूर करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में। ठीक है, बात ये है कि जैसे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। सोच के देखो, हमारे यहाँ पर होलसेलर्स की वेटेज ज़्यादा है या कंज्यूमर्स की वेटेज ज़्यादा है? सर आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कंज्यूमर की वेटेज ज़्यादा है, होलसेलर की वेटेज थोड़ी कम है। तो ऐसे में जब हम WPI के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो WPI की कैलकुलेशन और CPI की कैलकुलेशन में मेजर डिफरेंस आ जाता है। देखो होलसेलर को जो चीज़ 100 रुपये की पड़ती है इंडस्ट्री से, क्या कंज्यूमर को 100 रुपये की पड़ती है? जब ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं तो इसमें ये अपना कमीशन भी जोड़ता है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा जोड़ता है, तो पता चलता है वही 100 वाली चीज़ कंज्यूमर को 210 की पड़ती है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 वाली चीज़ कंज्यूमर 210 की पड़ती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि WPI और CPI दोनों बराबर होते हैं? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बींग अ कंज्यूमर आपको हमेशा फॉलो किसको करना चाहिए? CPI को। बट बींग अ होलसेलर आपको किसको फॉलो करना चाहिए? होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ये चीज़ की आवाज़ काफ़ी साल बाद उठाई गई, मतलब पहले हमें लगता था जो भी है WPI है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई, देखो रिवाइज्ड WPI लिखा हुआ है कि जो नई सीरीज गवर्नमेंट ने रिलीज की उसमें बेस ईयर क्या माना, 2011-12 को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक वर्किंग ग्रुप है जो कि 2012 में बनाया गया था, इसने बोला कि जिसकी जो हेड चेयरमैन थी वो कौन थी, सुमित्रा चौधरी। ठीक है, सुमित्रा चौधरी उसकी मेन मेंबर थी, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ऐसे WIPI में थोड़े से हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस का मतलब है जो आर्टिकल्स हैं उनमें और चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी आर्टिकल में 170 आइटम आएंगे, इसमें 16 आइटम आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में 564। जब पहली बार ये चीज़ डिसाइड की गई थी तो इतने आइटम नहीं थे, तब आइटम कम थे। फिर जैसे साल बढ़ते आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनकी जो काउंटिंग होती है प्रोडक्ट की वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सुमित्रा चौधरी ने बोला कि भाई ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हमें भी अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। तो वही लिखा है कि जो WPI है उसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स बनाए गए, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, जो मैंने अभी आपको बताया था फ्यूल एंड पावर, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का बनाया गया। और इसके अंदर देखो पहले 676 आर्टिकल थे, फिर बढ़ा के कितने कर दिए, 697 कर दिए। ये आपको नहीं याद करना है तो जस्ट नॉलेज के लिए। अब देखो मैंने भी आपको बताया था, आपको ना 2011 वाला 12 वाला डेटा देखना, ठीक है। एक तो 2004-05 है जो पहले चलता था, अब 2011-12 बेस ईयर चलता है। तो वही लिखा हुआ देखो, प्राइमरी आर्टिकल है, फ्यूल एंड पावर है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उनकी देखो वेटेज परसेंटेज दे रखी है, और ये देखो कितने कितने प्रोडक्ट शामिल है वो दे रखा है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, यही चीज़ बनाई हुई जिससे आपको सिंप्लीफाई हो जाए समझने में। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्राइस होती है, जब भी हम किसी कॉमोडिटी की प्राइस लेते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से हमारे गुड्स के प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से हमारे WPI की कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ी आए। ठीक है, इसके लिखा हुआ है आइटम लेवल ऑफ एग्रीगेट न्यू WPI हैज़ बीन कॉम्प्लाइड विद जियोमेट्रिक मीन। क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम WPI में कैलकुलेशन करते हैं वो किस कैलकुलेशन के बेस पर करते हैं, जियोमेट्रिक मीन। याद करो आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, उसमें मीन के अंदर हार्मोनिक मीन होता है, सिंपल मीन होता है, एवरेज मीन होता है, वेटेड मीन होता है, और एक जियोमेट्रिक मीन होता है। तो हम WPI किस कैलकुलेशन के आधार पर निकालते हैं, तो हम निकालते हैं किसके बताओ, जियोमेट्रिक मीन के आधार पर निकालते हैं। जितना हाईलाइट किया उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है कि जो हमारा WPI है, कहा जाता है इसके अंदर फूड आर्टिकल्स को नहीं शामिल किया गया, तो इसलिए अब एक नया WPI निकाला गया जिसको बोलते हैं WPFI, मतलब होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स। मतलब अब इसमें फूड को भी शामिल कर दिया, जो आर्टिकल से उसमें फूड प्रोडक्ट को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया। और किसने किया, CSO ने किया, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ठीक है, जो हमारा नेशनल इनकम को भी निकालती है, जैसे बोलते हैं ना सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, उन्होंने ये काम किया, वो लोग क्लियर है। तो आपको आई होप कि आपको जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो पूरा क्लियर हो गया। ये देखो ये वाला टॉपिक था ना हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो लोग क्लियर हो गया, आप बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आगे हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये रहा
CPI. अब CPI को पढ़ने के लिए सीधा बुक से पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको पहले नोट से पढ़ाऊंगा, फिर ये सारी चीज आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलो CPI पे फोकस करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये लो। तो हमारे पास दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, एक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री से माल किस पर आता है, होलसेलर। अल्टीमेटली होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर। रिटेलर से कौन खरीदता है, कंज्यूमर। तो जब अब चाहे होलसेलर हो या रिटेलर, एक बात है, ठीक है। कंज्यूमर जब माल खरीदता है तो कंज्यूमर को वो माल कितने का पड़ता है, उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, और उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि माइक्रो लेवल पे निकाला जाता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। आपने सुना था ना, माइक्रो मैक्रो की स्टडी होती है। तो जब होल इकोनॉमी की बात होती है तो माइक्रो लेवल होता है, जब एक इंडिविजुअल की बात होती है तो वो माइक्रो होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की बात हो रही है तो ये माइक्रो लेवल की होगी, ठीक है। अब CPI जो है वो क्या बताता है, CPI रिटेल प्राइस के बारे में बताता है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज की रिटेल प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, आपको एक चीज बताना मैं भूल गया, जो WPI है ना वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करता है, जो हमारा WPI है वो सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा फीडबैक था, वो ड्रॉबैक था। और जो हमारा CPI है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को करता है, वही लिखा हुआ है, जो CPI है वो रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें गुड्स भी शामिल होती है और साथ ही साथ सर्विसेज भी शामिल होती है, जो कि WPI में शामिल नहीं होती थी, ठीक है। अब इसके बाद है, इसमें जो बेस ईयर हमने माना है वो 2012 माना है, मतलब अभी का मैं लेटेस्ट का बता रहा हूँ, जो हमारा बेस ईयर है वो 2012 है, जबकि WPI में क्या था, 11-12 था। अब इसके अंदर क्या होता है ना, पहले ये वाला पॉइंट देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। इसमें फूड एंड बेवरेज शामिल किए जाते हैं, इसमें पान तंबाकू और अल्कोहलिक प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं, क्लोथ्स हो गया, फुटवेयर हो गया, हाउसिंग के हो गए जो आइटम्स होते हैं, फ्यूल और लाइट्स हो गए, और मिसलेनियस आइटम, यानी कुल 6 आइटम्स को इसमें जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर आपको याद है 3 आइटम को जोड़ा जाता था, इसी तरह यहाँ पर कितने आइटम को जोड़ा जाता है, 6 आइटम को। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल डिस्कस किया जाता है, मतलब जब हम WPI की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक जो होलसेलर्स होते हैं उनकी बात करते हैं, बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर के टाइप्स आ जाते हैं। कंज्यूमर कई टाइप के होते हैं, गांव में रहने वाला कंज्यूमर, रूरल, अपने जो आपके शहर होते हैं अर्बन एरियाज उसमें रहने वाला कंज्यूमर, और तीसरा होता है कंबाइंड, मतलब दोनों को मिक्स करना। यानी यहाँ पर जब हम वेट निकालते हैं या जब हम CPI निकालते हैं तो हम 3 तरीके से निकालते हैं। इन सभी आइटम को जोड़कर हम एक तो रूरल एरियाज का CPI निकालते हैं, दूसरा हम एक अर्बन एरिया का CPI निकालते हैं, और तीसरा दोनों को जोड़ देते हैं तो कंबाइंड CPI आ जाता है, मतलब 3 तरीके के CPI इसमें निकाले जाते हैं। अब इसमें क्या है खास बात ये है कि इसके अंदर ना 4 चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। ये 4 चीज़ें अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार डील कर लेती है। मतलब जैसे आप शादी में जाते हो तो शादी में एक ही सब्जी नहीं होती ना, 4-5 सब्जियां होती है, जिसको जो पसंद है वो अपने अकॉर्डिंगली ले ले। ठीक उसी तरह जब हम CPI निकालते हैं तो पहले CPI 3 तरीके से निकालते हैं, मतलब 3 लोगों के लिए, एक रूरल, अर्बन और कंबाइंड। लेकिन अब 3 लोग भी जो होते हैं इनमें भी फर्दर डिवीजन कर दिया जाता है, और वो डिवीजन कितने, 4, CPI IW, CPI UNME, CPI AL और CPI RL। क्या मतलब इसका, CPI IW का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर। अभी CPI IW में इंडस्ट्रियल वर्कर आते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, जो पहला पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, अब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैंक्स को एक्सक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, बैंक्स हो गए, जो एम्बेसीज हो गए, उनमें काम करने वाले जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो सैलरीज है वो हमेशा डिमांड करते हैं महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कि महंगाई कितनी है, तो हम ऐसे लोगों के लिए जब महंगाई निकालते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और खासतौर पर बैंक्स और एम्बेसीज को छोड़ के बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके अंदर जब इंडेक्स निकाला जाता है, उनके अंदर जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। क्लियर है, यानी बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए होता है। दूसरा होता है CPI UNME, मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली निकाला जाता है DNS अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे बहुत सारी फॉरेन की कंपनियां, जैसे मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूं, KFC की बात करूं और एसेंशियर की बात करूं, ये जो कंपनियां ना ये सारी बाहर की कंपनियां हैं, इंडिया में आके अपनी इन्होंने आउटलेट्स खोले और अपना काम करना शुरू किया। तो ये लोग जब अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो इनके यहाँ जो DNS अलाउंस निकाला जाता है, महंगाई भत्ता, वो अलग तरीके से निकालते हैं। वो लोग ये चीज़ को बेस नहीं मानते, वो लोग किसको बेस मानते हैं, CPI UNME को, अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया था। अर्बन मतलब जो शहर में रहते हैं, तो शहरी में तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी ना, गांव में तो जाएंगी नहीं, बाहर विदेशी कंपनियां, तो ये उनके लिए निकाला जाता है। ठीक है, अभी डिटेल में बुक से भी कराऊंगा, बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तीसरा,
CPIAL, एग्रीकल्चरल लेबर। अभी एग्रीकल्चरल लेबर क्या होता है कि गांव में जो लेबर्स होते हैं, अब गांव में लेबर दो तरीके के होते हैं, एक वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और एक वो जो खेती वगैरह जो खेती के अलावा बाकी काम करते हैं। तो जो लोग खेती करते हैं उनके लिए क्या निकाला जाता है, CPIAL, एग्रीकल्चरल लेबर, और जो खेती नहीं करते गाँव में उनके लिए जो CPI निकाला जाता है वो होता है रूरल लेबर। क्लियर है? अब चार चीज़ों को अभी मैं बुक से डिटेल करवाऊंगा, अभी ओवरव्यू दिया मैंने आपको। दिस इज कॉल्ड CPI, यानी कि जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर को बेस मान के, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? अब जितना अच्छे से आपने नोट्स पे टाइम लगाया उतनी जल्दी आपकी बुक कवर हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ कि बुक में चीज़ें क्या दे रखी हैं। चलो बुक पर आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। ये लो भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये लिखा। अब क्या लिखा हुआ देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, एक मिनट थोड़ा बुक सही कर दूं मैं। ये लो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिया जो है वो मेजर करती है इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस के बेस पर और होलसेल प्राइस के भी बेस पर करती है। ठीक है, होलसेल वाला पढ़ चुका, अब तो हम CPI पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 2011-12, एक मिनट बुक पहले सही कर दूँ। हाँ, 2011-12 जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि हम CPI को अलग अलग तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, 2011-12 की बात बता रहा हूँ, मतलब 2011-12 से पहले हमारे यहाँ सिर्फ CPI चलता था, उसके पार्ट्स नहीं चलते थे। लेकिन 2011-12 में जब हमने बेस ईयर चेंज किया तो हमने CPI के चार पार्ट्स बना दिए, ये वो चार पार्ट। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या पार्ट बनाए देखो, CPIR, CPIRU, CPIRC, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं। और ये किसने किया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने किया। अब क्या है, सबसे पहला CPIIW, इसका मतलब क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। मैंने अभी आपको बताया था ना इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें 260 आइटम्स को कैलकुलेट किया था, मतलब इनकी जो बास्केट होती है जिसमें ये चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो कितने आइटम इंक्लूड होते हैं, 260 आइटम इंक्लूड होता है। जो इनका बेस ईयर है वो 2001 है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो बैंक्स और एम्बेसीज के अलावा जो लोग काम करते हैं, तब उनकी जो वेजेस एंड सैलरीज है उसको हाइक करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब हम DNS की कैलकुलेशन करते हैं, साल में दो बार जो DNS अलाउंस की हम कैलकुलेशन करते हैं पे कमीशन के थ्रू, वो किसको बेस मान के करते हैं, CPIW को। मतलब जैसा हमारा इन्फ्लेशन CPIW बताएगा उस हिसाब से हम इनको DNS अलाउंस देंगे। आप जानते हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी के अलावा भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मतलब भत्ता यानी एक्स्ट्रा पैसा, तो महंगाई भत्ता भी मिलता है जिसको बोलते हैं DNS अलाउंस। अभी DNS अलाउंस कितना अमाउंट मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, इस चीज़ के लिए हम किस कौन सा रेट लेते बताओ, CPIW को लेते हैं। बोलो क्लियर है? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर आपके पापा में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनकी सैलरी शीट में देखना CPIW के कैलकुलेशन दे रखी होगी। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए। इसके बाद है CPIUNME, ये क्या बोलते हैं, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये जो है 1984 से 85 में पहली बार शुरुआत की थी, बेस ईयर इन्होंने 59 को माना था, इसमें 365 कम्युनिटीज को शामिल किया गया था अपनी बास्केट के अंदर। ये क्या बोलता है, ये कहता है ये जो प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली निकाला जाता है DNS अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए, और वो भी किस एम्प्लॉय के लिए, जो कि फॉरेन कंपनीज पर बेस्ड हैं, जिनका काम इंडिया में चल रहा है। जैसे आपकी एयरलाइन में कई सारी कंपनीज हैं ना, जैसे विस्तारा हो गया और आपका कौन सा है वो सहारा एयरवेज टू इंडिया का है, और यार कौन से एमिरेट्स हो गया, ये जितने भी एयरलाइन कंपनीज है ये फॉरेन के इंडिया में आके काम करती है। तो इनके एम्प्लॉय को जो DNS अलाउंस मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलेगा, CPIUNME के हिसाब से निकलेगा। इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, एयरलाइन हो गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस में अपने रेलीग्रा बाहर की कंपनी है, एम्बेसीज हो गई और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए। ठीक है, वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, और ये खास तौर पर कैपिटल गेंस को निकालने के लिए किया जाता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज है, नहीं है तो मैं आपको एक सरफेस नॉलेज देता हूँ। इनकम टैक्स में क्या होता है, पांच हेड्स होते हैं, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP और इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। तो उसमें एक हेड आता है इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, वो ये बोलता है कि अगर आप अपनी कैपिटल एसेट्स बेचते हो तो जितना आपको फायदा हुआ उसका आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब कैपिटल गेन को हम सेट ऑफ करवाते हैं इंडेक्सेशन के थ्रू। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो मान लो एक मैंने मकान खरीदा 2001 के अंदर, उसे 2022 में बेच रहा हूं, तो ये कहा जाता है कि आप अपने मकान की जो 2001 की मत मानो, आप मान के चलो अगर यही मकान आप 2021 में खरीदते तो कितने का पड़ता। तो उसके लिए हम जो इंडेक्सेशन लेते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं, CPIUNME, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला भी जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करता है वो किसके हिसाब से करता है, CPIUNME के हिसाब से करता है। बोलो क्लियर है? चलिए अब तीसरा आपका CPIAL। अब ये CPIAL क्या होता है देखो, लिखा हुआ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। इसकी शुरुआत 1986-87 में, इसमें बेस ईयर जो है 86-87 को लिया गया था, और इसकी बास्केट में 260 कम्युनिटीज थे। ये इंडेक्सेशन बेसिकली किसके लिए किया जाता है, ताकि हम एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर्स को मिनिमम वेजेस दे पाएँ। क्या दे पाएँ, मिनिमम वेजेस को दे पाएँ। बोलो क्लियर है? इसके बाद हमारा CPIRL। CPIRL क्या है,
दे आर नॉट अनदर येट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, जो रूरल एरियाज में जो लेबर जो काम करते हैं उनके लिए निकाला गया था 1983 के अंदर। इसमें जो बेस ईयर है उसके अंदर 1983 को माना गया था और 600 इसके अंदर क्या थी विलेज शामिल थे और हर महीने या हर तीसरे वीक इसकी जो कैलकुलेशन है वो की जाती थी। लेकिन इसकी बास्केट में 260 कॉमोडिटीज आती थी। आपको बास्केट बास्केट कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ याद करना है कि कौन सा इंडेक्स किसके लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया था, ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, ये अर्बन एम्प्लॉयज के लिए होता है, ये एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है, ये रूरल लेबर्स के लिए होता है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। बाकी अगर आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट चीज़ें होगी। इसके बाद अब आप देख लो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाती है। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फूड बेवरेजेस वगैरह इसके अंदर शामिल की जाती है। तो वही यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, फूड एंड बेवरेजेस होता है इसमें, आपका पान हो गया, तंबाकू हो गया और आपके जो इंटॉक्सिकेटेड दारू अद्दा ये जितने भी होते हैं ना, देसी दिलरुबा वगैरह, देसी दारू, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइटिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये सारी चीज़ में क्या की जाती है, काउंट की जाती है। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि इंडिया में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और WPI वो किस तरह से चलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारी इंडिया में जो इन्फ्लेशन निकाल लेती है हम बेसिकली किस को मान के चलते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, हम CPI को मान के चलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मान के चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इन्फ्लेशन वाला, इन्फ्लेशन के तीन टॉपिक मैंने बोले थे ना आज आपको कराऊंगा, वो तीनों के तीनों टॉपिक हमने कवर अप कर लिए और हमारी प्रथा है कि जो भी टॉपिक हम करते हैं उसको टिक करते हैं। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया पढ़ लिया, CPI WPI होता है, हमने WPI को भी डिटेल में पढ़ लिया और हमने CPI को भी डिटेल में पढ़ लिया। आई होप इसके बाद आपकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये वादा है मेरा आप लोगों से, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, नहीं तो आप हमसे पर्सनल आईडी पर, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सब पे आप जुड़ सकते हो। नीचे सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। दोस्तों, मेरे प्रोत्साहन को बनाए रखने के लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर ठोकें, जिससे मुझे अच्छा लगे अगली वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।